तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे मेटल की रिएक्शन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर के साथ में, यानी कि कभी पानी को ठंडा करके, तो कभी गर्म करके, तो कभी भाप बनाकर, तो कभी रिएक्ट नहीं करेगा मेटल। कौन कौन से देखते हैं? देखो, शुरुआत से शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला मेटल आता है के मतलब कि पोटाशियम, यानी कि जो आपका पोटाशियम होता है वो कोल्ड वाटर के साथ में ही क्या कर लेता है? रिएक्शन। यानी कि हमने पोटाशियम लिया, उसको हम कोल्ड वाटर के अंदर भी डाल देंगे ना, तो एकदम से बहुत ज्यादा तो हीट निकलेगी और फटाक से रिएक्शन हो जाएगी, और ये वाटर के साथ में रिएक्शन करके बनाता है KOH, यानी कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। साथ में रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस और बहुत सारी हीट, इसीलिए तो हम बोलते हैं कि सोडियम, यानी जैसे सोडियम हो गया, फिर पोटाशियम, आप उसको पानी में डाल दोगे तो वहीं पे आग लग जाती है। क्यों आग लग जाती है? क्योंकि बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर वहां पर क्या रिलीज होती है? आपकी हीट रिलीज होती है। यानी कि अगर हम पोटाशियम को रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ में, तो आपका KOH यानी कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, पर बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में क्या निकलती है? हीट। यानी कि ये कैसे रिएक्ट करता है वाटर के साथ में? वॉयलेंटली, यानी कि बहुत ज्यादा विग्रस हीट, लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है। ठीक है, अब दूसरा मेटल आता है सोडियम। Na का मतलब हो गया सोडियम। तो जब सोडियम वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो ये भी हमारा बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर क्या रिलीज होती है? आपकी हीट रिलीज होती है। इसीलिए सोडियम भी अगर वाटर के अंदर डल जाए तो वहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकलती है और वहां पर फायर कैच करने का खतरा रहता है, कि आग लगने का खतरा रहता है। तो Na को हम बोलते हैं क्या? सोडियम हमारा। ठीक है, इसने भी कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट करा था पोटाशियम ने, और सोडियम भी किसके साथ में रिएक्ट कर गया? आपका कोल्ड वाटर के साथ में, यानी कि जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है वाटर। तीसरा हमारे पास में क्या आता है? सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, हाँ कैल्शियम। Ca से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कैल्शियम। तो कैल्शियम भी ठंडे पानी के साथ में, यानी कि जो अपना नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी होता है उसके साथ में रिएक्ट कर जाता है। यानी आप कोल्ड वाटर ले लो, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का वाटर ले लो, तो वो रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन जितनी ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट आपकी पोटाशियम और सोडियम में निकलती है, उतनी ज्यादा हीट कैल्शियम में नहीं निकलती है। यानी कि ये नॉर्मली आपके वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा, कोई ज्यादा डैमेज नहीं करेगा। ठीक है, तो जब कैल्शियम वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और आपकी क्या रिलीज होती है? फिर से हाइड्रोजन गैस क्या होगी? आपकी रिलीज होगी। तो ये सब तो किसके साथ में रिएक्ट कर रहे थे? कोल्ड वाटर के साथ में। तो अब क्या आता है हमारे पास में? अब जो क्या रिएक्ट करेंगे, हॉट वाटर के साथ में या फिर स्टीम के साथ में? तो ऐसा आपके पास में आता है मैग्नीशियम के केस में। जो मैग्नीशियम है वो हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट, कोल्ड वाटर के साथ तो करता ही नहीं, तो वो रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ में और स्टीम के साथ में, और दोनों केसेस में क्या देता है? अलग अलग प्रोडक्ट। कैसे देखते हैं? देखो, जब आपका जो मैग्नीशियम है, Mg का मतलब क्या हो गया हमारे पास में? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जब आपका रिएक्ट करता है किसके साथ में? हॉट वाटर के साथ में। किसके साथ में? हॉट वाटर के साथ में। तो ये फॉर्म करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। और कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यानी हीट तो इन दोनों में भी निकलेगी थोड़ी थोड़ी, मतलब कैल्शियम वाले केस में तो हीट रिलीज होती है, मैग्नीशियम वाले में तो हम जब खुद ही गर्म पानी दे रहे हैं तो हीट किस बात की निकलेगी? ठीक है, यहां तक की बात। फर्क क्या होता है? सोडियम और पोटाशियम बहुत ज्यादा हीट निकलती है, कैल्शियम में उतनी ही ज्यादा हीट नहीं निकलती। और मैग्नीशियम में तो क्या होता है, जब हम खुद ही हॉट वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं तो हीट का तो कोई मतलब ही नहीं। तो मैग्नीशियम जब हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आपकी क्या होती है? रिलीज। लेकिन जब ये मैग्नीशियम वाले भाई साहब किसके साथ में रिएक्ट करें? स्टीम के साथ में, तो क्या बनेगा आपका?
अब देखो, जब आपके जो ये मैग्नीशियम है यानी कि Mg, जब ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ में, नीचे किया था हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट, अब ये करेंगे स्टीम के साथ में रिएक्ट, तो ये फॉर्म अब यहाँ पर क्या करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। यहाँ क्या बना था आपका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन अब क्या बनेगा आपका यहाँ पर, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और क्या रिलीज होगा साथ में, हाइड्रोजन गैस। तो फर्क देखो, जब हॉट वाटर के साथ में करा था तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना था, लेकिन जब स्टीम के साथ में रिएक्ट करा तो क्या बना आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, अब देखो आगे, स्टीम के साथ वाले आगे, तो अगर हम बात करें किसकी, जैसे जिंक की बात करो, Zn से हम किसको रिएक्ट करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं जिंक से, तो जिंक को भी हमको किसके साथ रिएक्ट कराना पड़ता है, स्टीम के साथ में, यानी कि जिंक आपका ना तो कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, ना ही हॉट वाटर के साथ में, वो किसके साथ में रिएक्ट करता है, वो करता है स्टीम के साथ में रिएक्ट, यानी कि भाप के साथ में रिएक्ट, और क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड, और क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इससे पहले हमारा एल्यूमिनियम उड़ रहा है, ठीक है, तो जो हमारा एल्यूमिनियम होता है, क्योंकि जिंक से ज्यादा रिएक्टिव होता है एल्यूमिनियम, तो जो आपका एल्यूमिनियम है ये भी किसके साथ में रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ में रिएक्ट करता है, और किसकी फॉर्मेशन करता है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3, और कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो आपकी एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है ना, ये कैसे होती है, हमारे पास में एम्फोटेरिक होती है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है कि जो आपकी ऑक्साइड, मतलब ये ऑक्साइड जो है ना, ये एसिड के साथ में भी रिएक्ट करती है और बेस के साथ में भी रिएक्ट करती है, इसीलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक यानी कि जो एसिड और बेस दोनों के साथ में क्या करे, रिएक्ट करे, तो उसको क्या बोल देते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अच्छा, अब अगर हमारे पास में आयरन के साथ में हमको रिएक्ट कराना होता, Fe से हम आयरन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या बन जाता हमारा, Fe2O3 यानी कि आयरन ऑक्साइड, और क्या रिलीज होती, हाइड्रोजन गैस। अब ध्यान देना, यहाँ पर आयरन किस स्टेट के अंदर है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, यानी कि फेरिक स्टेट के अंदर है। ठीक है, हमारे पास में यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अच्छा, हमने कोल्ड वाटर के साथ में कर लिया, हॉट वाटर के साथ में कर लिया, स्टीम के साथ में। अब कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जो इनमें से तीनों में से किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, मतलब कि वो आपके वाटर के साथ में रिएक्ट करते ही नहीं है, तो वो कौन कौन से होते हैं आपके, जैसे कि कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया आपका, या फिर लेड हो गया, ये हमारा रिएक्ट नहीं करते, मतलब कि पीबी क्या होता है, लेड, ये इनमें से किसी भी वाटर की फॉर्म के साथ में रिएक्ट नहीं करता। कॉपर हो गया आपके पास में, सिल्वर हो गया आपके पास में, गोल्ड हो गया, ये आपके वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करते हमारे पास में। ठीक है, यहां तक की बात। अब अगर हम रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें, तो जैसे लेवल अरेंज करना आ जाता है, तो मैग्नीशियम आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद में होता है एल्यूमिनियम रिएक्टिव, फिर होता है आपका जिंक, फिर आता है आयरन, और उसके बाद में क्या आता है, कॉपर। कॉपर के बाद में फिर बाद में आपके क्या आ जाते हैं, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, लेकिन इनकी इतनी अरेंजमेंट नहीं पूछते, ये वाली सीरीज पूछते हैं, आपको मेटल्स दे देगा और पूछेगा कि कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, जैसे मान लिया कि आपके पास में क्या था, सपोज मैंने इस तरीके से एग्जाम्पल लिया कि मेरे पास में था आयरन सल्फेट, ठीक है, इसको मैंने रिएक्ट कराया जिंक के साथ में, तो अब जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो ये क्या कहेगा आयरन को, तो यहां से हट जा, और खुद क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट, और आयरन को क्या कर देगा, यहां से रिमूव। तो इस रिएक्शन से हमें क्या पता चलता है कि अगर जिंक इस आयरन सल्फेट के साथ में रिएक्ट कर रहा है, मतलब कि ये क्या है, इस आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आयरन सल्फेट ही लेती और यहाँ पर अगर मैं कॉपर के साथ में रिएक्ट कराती, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो कॉपर है वो आयरन से कम रिएक्टिव है, और ये इतना ज्यादा ताकतवर है ही नहीं कि इस आयरन को यहाँ से हटा सके। तो समझ में आया ये रिएक्टिविटी ऑर्डर का क्या लॉजिक है। ठीक है, अब वो आपसे ना ये और पूछ लेता है,
जैसे उसने एग्जाम्पल दे दिया, सपोज जैसे CO2 दे दिया, SO2 दे दिया, और ये पूछेगा कि किस टाइप के ऑक्साइड्स हैं आपके पास में, जैसे कि आपके पास में CO2 हो गया, SO2 हो गया, NO2 हो गया, तो ये सब कैसे होते हैं हमारे पास में, एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। कैसे ऑक्साइड होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, यानी कि जितने भी आपके पास में नॉन मेटल के ऑक्साइड बनते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। और जैसे आपसे क्या पूछ लिया, सपोज जैसे सोडियम ऑक्साइड दे दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे दिया, अब ये क्या है, मेटल है ना हमारे पास में, तो मेटल वाले ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं आपके पास में। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, ठीक है? तो बस।